कहीं कहीं को ऐसा लगा कि मंथरा का मंत्री राजा को रंग को राजा बना देगा। सब सुध बुध भूल गई थी। मंथरा ने कहा कि राजा के मीठे वचनों से पिघल मत जाना, ध्यान रखना राजा आएगा तुझे मनाने आएगा और मीठे मीठे वचन बोलेगा तो पिघल मत जाना। पूरी अवध सज रही है, राम सज रहे हैं, माँ कौशल्या बार बार आभूषण निकालती है, आज मेरे राम को ये माला अच्छी लगेगी, ये कपड़े अच्छे लगेंगे, ये तलक लगेगा, ये गोर वर्ण में, ये श्याम वर्ण में, इस प्रकार से माँ जानकी जब रानी बनेगी तो उसको ऐसे आभूषण पहनाने हैं। माँ बार बार में आभूषण निकालती है, रखती है, निकालती है, रखती है, पूरी रात भर माँ कौशल्या सोती नहीं है, सपन भी होते हैं। और संध्या के समय जब पूरा अवध सज रहा था, राजा दशरथ कैकेयी के भवन में प्रवेश करते हैं। राजा दशरथ ने अब तक कैकेयी से राज्य विषय की बात नहीं कही थी, क्यों? क्योंकि राजा दशरथ एक सरप्राइज देना चाहते थे, एक अच्छी बात को एकदम बताना चाहते थे ताकि कैकेयी प्रसन्नता से उछल पड़े, ऐसा विचार था राजा दशरथ। राजा दशरथ ने कैकेयी के महल में प्रवेश किया तो महल में कैकेयी दिखाई नहीं दी। मंथरा से पूछा, मंथरे महारानी कैकेयी दिखाई नहीं दे रही है? मंथरा ने कहा, महाराज राजा रानी के बीच में दासियों का क्या काम है? हम चौकट की रखवाली करते हैं, रानी की रखवाली नहीं कर सकते। महाराज हम तो चरणों की दासी है, इधर इधर कहीं घूम रही होगी। राजा दशरथ ने महल के ऊपर चढ़ करके देखा, इधर उधर बाउंड्रियों पर जाकर के देखा, कैकेयी कहीं दिखाई नहीं दी। राजा दशरथ ने एक दृष्टि कोप भवन की तरफ डाली, तो खिड़की में से कैकेयी दिखाई दी। राजा दशरथ पहचान नहीं पाए कि रानी ही होगी, लेकिन कोई छाया दिखाई दी क्योंकि कोप भवन में अंधेरा आया। और राजा दशरथ ने जैसे ही किवाड़ खोले तो महारानी कैकेयी नागिन की तरह अपने केस फैला करके और ऐसे बैठी है जैसे मधुमक्खी का छत्ता बैठा हुआ हो। और राजा के मुख से वचन निकले सा, कैकेयी महारानी कैकेयी आपको पता है मैं क्यों आया हूं? बार बार पुकारा, लेकिन कैकेयी ने राजा की तरफ एक बार भी नजर उठाकर आ गया। राजा दशरथ ने कैकेयी के कंधे पर हाथ रखा और कैकेयी ने जो झटका दिया कि राजा दशरथ सन्न रह गए। बार बार कह रहा वो
बनी कारण मोहे सुना गजगामनी निज कोप कर। हे महारानी, अब देखो महाराज दशरथ की बुद्धि का फेर देखेंगे आप। चौथापन में महाराज दशरथ के मुख से शब्द निकल रहे हैं, कैसे कामी शब्द निकले, एक एक शब्द में काम वासना समाई हुई है। सुमुखी सुंदर मुख वाले, सुलोचनी सुंदर नेत्रों वाली, पिक वचनी जिसके कोयल जैसी वाणी है, गज रामनी जो गज की तरह चलती है। अब ये शब्द एक 18 वर्ष का बच्चा अपनी पत्नी से कहे अच्छे लगते हैं, लेकिन चौथापन में कोई अपनी पत्नी से ऐसे शब्द कहे तो समझ लेना चाहिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। राजा दशरथ की तबीयत बिगड़ी बिगड़ी सी लगती है ऐसे शब्दों का प्रयोग। काम दर्शन तबीयत बिगाड़ता है, ध्यान रखना। जो भी मानव अपने नारी के अंदर काम का दर्शन करता है समझ लो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नारी से भोग भी ठीक नहीं होता, क्योंकि भोग जब ही होने चाहिए जब ऋतु ऋतु पर जाग भवन सब माया पर चारा, जब हर वस्तु ऋतु पर होती है तब ही भोग अच्छा लगता है। आज वृद्धावस्था में राजा जनक काम की बात करते हैं, मुझे लगता है कि इन शब्दों के कारण भी राजा दशरथ की तबीयत बिगड़ी होगी। जैसे ही पिकवचनी गजगामनी सुमुखी सुलोचना कहा, कहते ही विचार करने लगी कि क्या करूं, किसको राजा बनाओ किसको रंग करूं। महाराज दशरथ ने कहा कि किसने तुमसे क्या कह दिया, कौन दो मुक्का है, कौन किसके दो सिर है, किसके चार भुजा हो गई, तुम कहो तो मैं राजा को रंग कर दूं और रंग को राजा कर दूं, तुम चाहो तो जितने चाहे उतने शीश तेरे चरणों में चढ़ा दूं, बोल किसने क्या कहा है। आखिरकार महाराजी भोग भवन में क्यों है, महारानी उठो वस्त्र धारण करो, आभूषण पहनो, अपनी चोटी बांधो और मुझे अपना मनोरथ सुनाओ कि आखिरकार बात क्या है। ये कहीं ने कहा कि बार बार में कहते हो बात क्या बात क्या, ये कहते ही कहते हो कभी लेते देते भी हो क्या। महाराज ने सोचा कि चलो बोली तो सही, बोल क्या चाहिए, जो चाहिए सो दूं, कि दो वरदान पहले थे वो तो दिए नहीं, अब तक पहले के तो बाकी चल रहे हैं और नई चीज मांगने की कह रहे हो, मुझे वो मेरे दो वरदान दे दो कि उसी में काम हो जाएगा। राजा दशरथ ने कहा कि तू चाहे तो प्राण दे दे। गई क्या बात करती है, वरदान की क्या बात है, चक्रवर्ती सम्राट राजा के सामने दो वरदान क्या मायने रखते हैं, कि दे दोगे कि हाँ। थाती राखन मांगू काबू, जो मेरे आपके धरोहर के रूप में दो वरदान मांग पड़े हैं आप मुझे वो दे दीजिए। लेकिन कहीं मुकर तो नहीं जाओगे। तब राजा दशरथ कहने लगे कि रघुकुल रीत सदा चल आए, ओ रघुकुल रीत
ये रघुकुल की रीत है कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन वचन देने के बाद में रघुकुल का राजा मुकरता नहीं है कि झूठ तो नहीं बोल रहे हो। राजा कहने लगे कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पाप नहीं होता। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। इसलिए जो चाहे सो मांगो, कि मांगने से पहले आप मुझे राम की सौगंध दो। राम की सौगंध दो कि मैं जो वचन मांगूंगी वो तुम दोगे। राजा दशरथ ने कहा कि मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो मांगेंगे सो दूं, लेकिन तू तेरा विकराल रूप दूर कर ले, आभूषण पहन ले और राजशाही वस्त्र पहन करके और राम के राज्य अभिषेक की तैयारी कर। महारानी कौन वचन मांगो। कैकेयी ने सबसे पहले अपने आभूषण पहने, वस्त्र पहने, चोटी बांधी और कैकेयी ऐसे सजी है, ऐसे सजी है कैकेयी मानो किसी शिकार को देख करके कोई शिकारी अपने धनुष पर बाण चला रहा हो। शिकारी की तरह कैकेयी ने पूर्ण तैयारी की है और किसी शिकारी के सामने उसकी तीर के नजर में बिल्कुल सामने कोई शिकार खड़ा हो और कैकेयी ने अपना धनुष बाण तैयार किया। और कैकेयी मुस्कुरा करके कहने लगी कि सुनो प्राण प्रिय भारत जी का, अरे देव प्रथम वर भरत टीका। हे प्राण प्रिय शब्द का प्रयोग देख लिया। अगर कोई नारी अपने पति के ढोक नहीं देती है, अगर कोई नारी रोज झगड़ालू प्रवृत्ति की है और वो अचानक प्राण प्रिय कह दे तो समझ लेना कि 15-20 दिन में मौत को निमंत्रण आ वालो है। आज कैकेयी ने कहा कि सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, अरे देव प्रथम वर भरत टीका। हे प्राण प्रिय पहला मेरा वर है कि मेरा भरत राम की जगह मेरे भरत का राज तिलक होना चाहिए। अवध के राजा राम नहीं मेरा भरत लाल होगा। इतना कहते ही महाराज दशरथ के चेहरे पर एक प्रसन्नता की झलक लगी। महाराज दशरथ ने कहा कि बस मेरा राम वो दयालु है कैकेयी कि एक बार भरत का नाम लूंगा तो मेरा राम कहेगा कि पिताजी तुमने वो काम कर दिया जो मैं चाहता था। कितने दयालु है राम। जय श्री राम। देखिए जो भी भक्तगण हमारे गार्डन में बैठे आप सभी से गर्भवत निवेदन है कि सभी पांडाल में आके विराजमान हो। हमारे कैमरे वाले भाई साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल खालीपन आ रहा है कैमरे में, तो आप सभी से गर्भवत निवेदन है कि सभी इधर पधारे और इस खालीपन को दूर करें। राम कथा में कैमरा तो क्या सारा संसार भी छोटा पड़ता है।
अब इस कैमरे में राम कथा कैसे आ सकती है? लेकिन फिर भी आप लोगों में से जो जिनको ऐसा लगता है कि वास्तव में खालीपन दूर होना चाहिए, तो वो यह पंडाल में बढ़िया धूप है। आज सूर्य देव ने कृपा की है कि सुबह 5 बजे तक चंद्रमा दिख रहा था। थोड़ी देर के लिए जो ओस के कण गिरे हैं आज कम गिरे हैं और सूर्य देव चमक रहा है, क्योंकि सूर्य देव भी आज उदय प्रसन्नता के साथ है, क्योंकि राम के पूर्वज है सूर्य, राम जी सूर्य वंशज है। सब सामने आकर के बैठ जाए, और जिनको मान लीजिए वहां बढ़िया लग रहा है तो आपकी मर्जी है, लेकिन सामने बैठेंगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि मेरी राम कथा से लोगों के हृदय में परिवर्तन आ रहा है। और प्रेम से बोलेंगे, सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, इतने प्रेम से बोलो कि परमात्मा को लगे कि कोई 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 राम का राज्य वन का राज्य होने वाला है। इतना प्रेम से वन तक आवाज जानी चाहिए। वाल्मीकि अनुसुईया भारतवासी और निषाद को पता लगना चाहिए कि राम आ रहे हैं। मेरा मेरा करके पुकारे, कामना तेरे कोई आई, ये तेरा दिन याद करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, अरे साधु संत तुझे समझावे, अगम को पंथ तुझे बतलावे, तू कर्ण की न पत न करे, तू कर्ण की पत न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन साथ करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, पीछे भैया नौ
ससमास तुझे समझायो, अरे नो ससमास तुझे समझायो, अरे कोल करार करी न आयो, तू आदि तेरी बेगम देश चलो रे भाई, अरे बेगम देश चलो मन मेरा, सतगुरु जी का लगा जहां डेरा, अरे मांगी चादर के दाग लगायो, मांगी चादर के दाग लगायो, अरे संत सरोवर कभी नहीं नहायो, कथा में कभी नहीं नहायो, हर जन की मार, अरे सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन क्यों न करे, अरे मन सुमिरन सुमिरन जरूरी है भाई, हरि का भजन और सुमिरन कभी हारता नहीं है। पहला वर मांगा कि मेरे भरत को राज तिलक होना चाहिए, तो पहला वर तो प्राण प्रिय कहकर के मांगा, और देखो दूसरा वर कैसे मांग रही के कही कि दूसर वर मांगू कर जोड़ी, अरे पूर्वनाथ मनोहर मोरी, हे राजन अब मैं दूसरा वर हाथ जोड़ करके मांगती हूं, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, अगर आपने मेरा मनोरथ पूरा नहीं किया तो आपके कुल में कलंक लगेगा और ये केकई कुएं में पड़ करके प्राण दे देगी तो भी आपको कलंक लगेगा। महाराज दशरथ कहने लगे कि अब दूसरा वर भी मांग लो कोई दिक्कत नहीं, और जो दूसरा वर मांगा है साहब केकई संभल गई, मानो कोई शिकार में अंतिम क्षणों में शिकार करने के लिए अपने तीर में कमान चढ़ाया हो, क्योंकि केकई को पता है कि पहला वर तो राजा दे दिया लेकिन दूसरा वर बहुत कठिन है, और कहने लगी महारानी केकई कि दूसरे वर तापस वेश विशेष बुधा, I'm
दूसरा वर के कहने मांगा कि हे नाथ, मैं हाथ जोड़ करके और विनती करती हूं कि मेरे मन का मनोरथ पूरा करे। और कहीं कहीं कहने लगी कि तापस वेश विशेष उदासी। शब्दों का प्रयोग देखेंगे साहब, तपस्वी का वेश हो और उदासीन व्रत धारण करें, किसी भी राजा के यहां शरण नहीं जाएंगे, किसी शहर में क्या गांव तक में कदम नहीं रखें, ऐसा विशेष उदासी। और अगली पंक्ति जब बोली कि 14 बरस राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास होना चाहिए, इतना कहते ही राजे दशरथ के चेहरे का विवरण हो गया, नूर उड़ गया साहब राजा दशरथ का। एक बार राजा दशरथ ने कैकेयी की तरफ नजर उठा करके कहा कि झूठ तो नहीं बोल रहे हो? तो कैकेयी ने कहा कि राजन, अगर वर देना हो तो दे दो और नहीं देना है तो फिर उनकी बातें मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मेरा भरत राजा बनेगा और 14 साल तक राम तपस्वी वेश में और विशेष उदासीन व्रत धारण करके और जंगल में रहेगा। राजा दशरथ धीरे धीरे जमीन पर बैठ गए, संभल कर बैठे। और जिस राजा दशरथ के लिए इंद्र भी आधा सिंहासन खाली छोड़ता है, वो गीदड़ की तरह कैकेयी के चरणों में निकल गए। महाराज दशरथ कहने लगे, कैकेयी, तुम एक बार अपने मुख से ऐसे कह दो कि ये वचन झूठे हैं, एक बार कह दो। और साहब का जुट तो यह है कि हाथ जोड़ने वाली और प्राण प्रिय कहने वाली नारी ने राजा दशरथ के वचन सुन करके और पैर की ठोकर मारी है राजा दशरथ। और कैकेयी बोली कि देना हो तो दे दो और नहीं देना हो तो इस पाप के भागी बन जाओ। कैकेयी के वचन में ये दोही है, मानो किसी बॉस की ओस की बूंद में किसी नागिन का जहर परिपक्व हो गया हो और कोई मार्ग की स्थान देख करके डक मार दिया हो, ऐसी विवर्ण स्थिति राजा दशरथ की। राजा दशरथ धरातल पर लोटपोट हो गए। हे राम, हे राम, हे राम, ये कहीं खड़ी है और राजा दशरथ अचेतन अवस्था में राम राम पुकारते हैं। साढ़े 9 बजे से प्रातः के 4 बज गए सर। राजा दशरथ ऐसे हार गए जैसे किसी सिंह के मुख में गीदड़ हार गया है।
कभी होश आता राजा दशरथ को राम राम पुकारते और कभी अचेतन होकर के मूर्छित होकर के पड़े रहते।